जीवन को बनाने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत नहीं है। जितनी मेहनत आपको बाहरी विकास के लिए है, उससे आधी मेहनत में भी आप अपना विकास कर सकते हैं। लेकिन अपना विकास के लिए आपके पास चंद मिनटों का टाइम नहीं है, चंद मिनट भी नहीं है। आप अपने जीवन के 24 घंटे, एक दिन के 24 घंटे में क्या आप अपने लिए आधा घंटा निकाल पाते हैं? क्या आप अपने जीवन के लिए मात्र आधा एक घंटा निकाल पाते हैं? तो अपने आप से पूछेंगे ना, तो नहीं उत्तर आएगा। आप कहते होंगे हम अपने लिए निकालते हैं, नहीं निकालते हैं। बिस्तर से उठते हैं, घर की सफाई, ऑफिस, ड्यूटी, खेत खलिहान, नौकरी, ये सब के लिए टाइम निकालते हैं। पैसा कमाने के लिए टाइम निकालते हैं, गाड़ी बनाने, गाड़ी खरीदने के लिए टाइम निकालते हैं, ड्यूटी जाने, ड्यूटी आने के लिए टाइम निकालते हैं। क्या आप अपने लिए टाइम निकालते हैं? नहीं निकालते हैं। जब हम अपने जीवन का ही महत्व ही पता नहीं, तो अपने लिए क्यों टाइम निकालें? हमको पैसा का महत्व है, पैसा के लिए टाइम निकालते हैं। मकान का महत्व है, मकान के लिए टाइम निकालते हैं। गाड़ी का महत्व है, गाड़ी के लिए टाइम निकालते हैं। गाड़ी की सफाई करते हैं, गाड़ी चलाते हैं। सबसे ज़्यादा मोबाइल का महत्व है, इसलिए मोबाइल का ज़्यादा टाइम निकालते हैं। अपने महत्व होता, अपने जीवन का महत्व होता तो निकालते टाइम। बच्चों के लिए टाइम निकालते हैं, नहीं निकालते हैं। क्या ज़रूरत है बच्चों के लिए टाइम निकालने के लिए? कहते होंगे बच्चों के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, क्या करते हैं बच्चों के लिए? आप बच्चे पैदा कर देना, पढ़ा देना, लिखा देना, बड़ा बना देना, इतने मात्र से कोई माँ बन जाए? नहीं, नहीं हो सकता है। कभी आप मत सोचिएगा जितने लोग बैठे हैं कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, इंजीनियरिंग कराया, नौकरी में लगा दिया, माँ बन गए, पिता बन गए। ना, हो ही नहीं सकता। ये तो जिसके बच्चे नहीं वो लोग भी कर देते हैं, जिसके बच्चे नहीं है वो लोग भी अनाथ आश्रम से लाते हैं बच्चे, और बच्चे का पालन पोषण 10-10, 20-20, 30-30 बच्चों का पालन पोषण कर देते हैं। क्या इतना मात्र से कोई माँ और पिता बन जाता है? नहीं। और हर माँ बाप की एक शिकायत है कि बच्चे हमारा कहाँ नहीं मानते। आपने कब सिखलाया है कि आपके बच्चे आपका कहाँ माने? आपने कब सिखलाया है? कभी नहीं सिखलाया। आपने पैसा कैसे कमाना है ये सिखलाया, गाड़ी कैसे चलाना है ये सिखलाया, मकान कैसे बनाना है ये सिखलाया, नौकरी कैसे करना है ये सिखलाया, पैसा बनाने की फैक्ट्री बनाया आपने बच्चों को। बदौलत आपके बच्चे पैसा बढ़ाते गए, धन बढ़ाते गए, बिल्डिंगें ठोकते गए, जमीन खरीदते गए, लेकिन जीवन के महत्व को नहीं समझ पाए। आपने प्यार नहीं सिखलाया, सम्मान नहीं सिखाया, अतिथियों को सेवा नहीं सिखाया, सत्कार नहीं सिखलाया, संतों के आश्रमों में ले जाकर के झुकना नहीं सिखाया, सेवा और श्रद्धा और साधना नहीं सिखलाया। कैसे बच्चे आपकी बात मान जाएंगे? इतने मात्र से कि आप उनको हजारों लाखों की संपत्ति दे दी, इतने मात्र से बच्चे आपकी बात मान जाए? नहीं हो सकता साहब, बिल्कुल नहीं हो सकता। मां बनने के लिए मातृत्व भाव पैदा करना होता है, पिता बनने के लिए पितृत्व भाव पैदा करना होता है। मात्र बच्चे पैदा नहीं, बल्कि उनके आने जाने, रहने बसने, मित्र साथी संगति, कैसे उनका जीवन जीता है, किन लोगों के साथ में रहता है, कैसे बात करता है, इससे कहीं ज़्यादा महत्व है कि आपके बच्चे हो जाने के बाद, आपके घर में बहू बेटे आ जाने के बाद भी आप कैसे जीते हैं, आप कैसे जीते हैं। बच्चे के बच्चे हो जाते हैं कुछ लोगों के लिए, लेकिन लड़ना झगड़ना नहीं छोड़ते हैं। 70 साल 80 साल हो जाते हैं पति और पत्नी साथ रहते रहते, लेकिन दोनों को नहीं बनती है अभी तक, इधर उधर खटपट चलता रहता है। कैसी जिंदगी है? आज तक प्रेम को नहीं समझ पाए, आज तक इंसानियत जीने की तरीका नहीं जान पाए। आज तक सास बहू में तो मानो सांप और नेवला का टक्कर चलता रहता है, देवरान और जेठान तो लगता ही नहीं कभी देवरान और जेठान है। जिंदगी को हमने नरक बना डाला है। चंद रुपयों के लिए, चंद कागज के टुकड़ों के लिए अपनी जिंदगी का ईमान बेच डाला हमने। क्या जीवन समर जाएगा? क्या इतने से बच्चे आपके बात मान जाएंगे? आप बच्चे को 4 लाख की जगह 6 लाख रुपये दे दिए, क्या इतने से बच्चे आपके बात मान जाएंगे? आपने उस पैसा के लिए, बच्चों के पैसा के लिए, बच्चों के लिए इकट्ठा करने के लिए भाई और भाई के साथ टक्कर हो गए, देरान और जेठान के साथ टक्कर हो गए, परिणाम क्या हुआ? आप लड़ते हैं, आपके बच्चे दिखते हैं। आप लड़ते हैं उस पैसा के लिए, बच्चे नहीं जानते आप पैसा के लिए लड़ रहे हैं। बच्चे ये जानते हैं कि मेरे जीवन की कमाई के लिए लड़ रहे हैं, तब भी बच्चे आपको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं आपके लड़ने की तरीका देख करके।
आप पति पत्नी लड़ते हैं, बच्चे व्याकुल होते हैं। बच्चे बोल, एक माता पिता आपस में बहुत लड़ाई होते थे, बच्चे बोलते हैं मम्मी पापा से, मम्मी पापा आप लोग जब देखो तब लड़ते रहते हो, हम लोग को पढ़ने में बहुत डिस्टर्ब होता है, आप लोग शांत रहा करो। बच्चे को माँ बाप सिखलाते, यहाँ बच्चे माँ बाप को सिखला रहे हैं। सीखिए, समझिए और बच्चे को आत्मविश्वासी बनाइए। सदगुरु कबीर ने कहा है, कर बहिया बल आपनी छाण बिरानी, आज जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे प्यास। अपने आप पर भरोसा रखे, अपने कर्मों पर भरोसा रखे, भगवान के भरोसा मत बैठे रहिए। आपके जीवन को आपको संवारना है, आपके जीवन को संवारने के लिए न बुद्ध कबीर ईसा मोहम्मद रामकृष्ण भगवान नहीं आएंगे, न आपके जीवन को संवारने के लिए न मोदी जी आएंगे, न भूपेश बघेल आएंगे, न कबीर आएंगे, न ईसा, न मोहम्मद आएंगे, न राम आएंगे, न कृष्ण आएंगे। आपके जीवन का निर्माण आपको खुद करना होगा, आपको खुद करना होगा। आप कितनी भी पूजा और पाठ कर ले, कर्म का नियम है जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। यदि आप चाहे कि मैं पूजा और पाठ के बल पर अपने कर्म का रेख मेट दूं, नहीं मेट सकते आप। जो आप कर्म किए हैं वो आपको भोगना पड़ेगा, वो आपको भोगना पड़ेगा। आगे कर्म ऐसा करें कि आपको दुख ना हो। आप चाहते हैं कि कर्म के आधार पर, मैं पूजा और पाठ के आधार पर अपने गलत कर्मों को मेट लूं, नहीं हो पाएगा, पूजा और पाठ से नहीं। आगे ऐसा कर्म करें कि हमको गलत ना, गलत विचार मन में ना आए, हम गलत कर्मों को रोके और अच्छा कर्म शुरू कर दें। हम सत्संग तो रोज कर रहे हैं, लेकिन अपने अंदर जो इंक्लूड कर रहे हैं ना कहीं से दाएं से बाएं से इधर से उधर से गलत विचार अंदर प्रवेश कर रहे हैं, वो उस धारा को तो हमने रोका ही नहीं, बस सत्संग बस कर रहे हैं, इतना से जीवन नहीं बदलेगा। मैं बीच में एक बात कहा था, उसको पहले कहूं, आपके बच्चे आपका कहा माने वो पाठ आप सिखलाइए। आप सभी से निवेदन है और आज की जनरेशन को जरूरत है। मैं कल भी कहा था, 50 साल 60 साल हो जाने के बाद में आने जिस इस उस पीढ़ी को सत्संग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, आने वाले जनरेशन को ज़्यादा ज़रूरत है सत्संग की। आप कभी बच्चों को आश्रमों में ले जाइए, वहाँ सिखलाइए कैसे बच्चे, कैसे वहाँ के रहने वाले अपना श्रद्धाए और साधना खुद करते हैं, अपना निर्माण खुद करते हैं। बच्चों को ले जाइए स्कूलों में, ले जाइए अनाथालय में, ले जाइए वृद्ध आश्रमों में, ले जाइए वहाँ झुकना सिखाइए, संत गुरु के सामने झुकना सिखाइए। और आप भी अपने घर में सबसे ज़्यादा आप अपने बच्चे के गुरु आप होते हैं, आपसे बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। बहुत लोगों को देखा हूँ मैं, अच्छे कबीरपंथी, अच्छे राधा स्वामी, अच्छे गायत्री वाले, बड़े सत्संग करते हैं, बड़े ध्यान करते हैं, लेकिन लड़ना और झगड़ना नहीं छोड़ते हैं। कैसे बच्चे आपके कहाँ मान जाएंगे, इतना मात्र से आपके बच्चे कहाँ मान जाएंगे। माँ बनने के लिए विशाल हृदय चाहिए। आप बच्चे को, अभी साहेब जी कह ही रहे थे, आप बच्चे को बहुत बड़ी संपत्ति नहीं देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों को आपने संस्कार नहीं दिया तो सब कुछ चौपट हो जाएगा। बच्चे को गाड़ी मत दो, मोबाइल मत दो, कार मत दो चलेगा, लेकिन संस्कार ना दो तो बच्चे खुद रोएंगे, आपको भी रुलाएंगे। बच्चे को उपहार मत दो चलेगा, लेकिन बच्चे को संस्कार ना दो तो नहीं चल सकता है। संस्कार क्या चीज है, कोई तोहफा है संस्कार? ये संस्कार कहीं से खरीद करके दे दिया जाए? नहीं, खरीदने से नहीं मिलता है, कर्म से मिलता है। आपका कर्म अच्छा होगा, बच्चे आप ही आप देखेंगे। आप अच्छे बोलते हैं, अच्छे चलते हैं, और मैंने कहा बीच में भगवान के भरोसे मत बैठे रहिए, आप कर्मों के भरोसे रहिए। गोस्वामी जी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी आखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म के लेख मिट नहीं सकता है। आप चाहे कि भगवान की पूजा और आराधना से, मैंने बीच में कहा ही कि आपका कर्म करे मिट जाए, नहीं, आप कभी भी कितना भी पूजा और पाठ कर ले, आग में हाथ डालेंगे तो आग हाथ जलाएगी। न गृहस्थ चाहिए, न विरक्त चाहिए उसके लिए, चाहे कोई भी इंसान हो, आग में हाथ डालेगा तो आग हाथ को जलाएगी। ये प्रकृति का नियम है। आप अपने जीवन को संवारिए। जीवन को संवारने के लिए खुद को आगे बढ़ना होगा, और इसीलिए सत्संग की रुचि चाहिए। यहाँ बैठे लोगों में बहुत से लोगों को देख रहा हूँ मैं, इसी बैठे सभा में एक ऐसे व्यक्ति है जो डॉक्टर है, उनके बेटे हॉस्पिटल में हैं,
पर वो सत्संग में आए हैं, कहीं ना कहीं उनको सत्संग में रस मिलता है। एक डॉक्टर बैठे हैं जिसका खुद का डिस्पेंसरी है, वो डिस्पेंसरी छोड़कर के यहाँ आकर के बैठे हैं और हर महीना के एक तारीख को नवापारा सकरीम भी पहुँच जाते हैं वो सब कुछ छोड़ करके। एक आदमी है जिनको कई एकड़ खेत है, सब कुछ वो संभालता है, लेकिन समय और संयोग पड़ता है तो सब कुछ छोड़ करके यहाँ आ जाता है। उनको कहीं ना कहीं लगता है कि अंत में यही साथ आएगा, यही साथ चलेगा। जो आज हम चिंतन करते हैं, जो विचार अपने अंदर इंक्लूड करते हैं, वही हमारे साथ में जाता है, बाकी तो कुछ नहीं जाता है। आप बच्चे को क्या सिखलाते हैं? मैंने बीच में कहा कि आप अपने जीवन के लिए कितना टाइम निकालते हैं, पैसा कमाने के लिए आप टाइम निकालते हैं, दुकान चलाने के लिए टाइम निकालते हैं, बिजनेस के लिए टाइम निकालते हैं, स्कूल के लिए, ऑफिस के लिए, हॉस्पिटल के, सबके लिए टाइम निकालते हैं, क्या आप अपने लिए भी टाइम निकालते हैं? एक आदमी है जो दुबई में रहता है, वो कहता है साहेब जी मैं संतों के साथ में करीब करीब कुछ ही समय रहा, करीब एक साल दो साल संतों का सानिध्य लिया, लेकिन वो एक साल दो साल में जो संतों से मैंने सीखा ना, वो आज मैं इस विदेश में आ गया हूँ तब भी वो गुण काम आता है, तब भी वो गुण काम आता है। आप यदि इस घर में हैं और घर से छोड़ करके आपके बच्चे कहीं ससुराल में चले जाते हैं, तो वो जो माँ बाप से सीखे रहते हैं वो गुण वहाँ ससुराल में जाने के बाद भी काम आता है। उनके सास ससुर होते हैं, वो कहते हैं एक ऐसी बेटी है जो अच्छे संस्कारी घर से आए। एक डॉक्टर है, नहीं बैंक मैनेजर है, उनके पिता भी बैंक मैनेजर थे, बड़े नौकरी में थे, उनके पति भी बैंक मैनेजर है और वो उनकी वाइफ है वो कैशियर है बैंक में, घर के भोजन भी बनाती है, बच्चे को भी देखती है और साथ साथ में बैंक में ड्यूटी करती है। कहते हैं मेरे माँ बाप का दिया हुआ संस्कार है। वो ये नहीं कहती है कि मैं एक काम करूँगी, भोजन बनाऊँगी या तो बैंक में ड्यूटी करूँगी, वो नहीं कहती है। वो माँ बाप कहते हैं, उनके सास ससुर कहते हैं, हम धन्य हैं ऐसे बेटी को पाए हैं, काश आप लोग भी अपने जीवन को ऐसे संवार लेंगे ना तो आपके माँ बाप खुश नसीब हो जाएंगे, आपके सास ससुर खुश नसीब हो जाएंगे। कभी नहीं कहेंगे कि हम बहू पाए हैं, कभी नहीं कहेंगे, उनके मुख से मात्र एक उच्चार निकलेगा कि मैं बेटी पाई हूँ, बेटी पाया हूँ, बस कभी नहीं कहेंगे कि मैं बहू पाई हूँ या बहू पाया हूँ। आप अपने सासू माँ की बेटी बनिए, आप जीवन को संवारिए, बच्चों को संस्कार अच्छा दीजिए, आश्रमों में ले जाइए, सत्संग सुनाइए, आप सत्संग सुनाइए, सत्संग के प्रति रुचि बढ़ाइए। यदि सत्संग के प्रति रुचि नहीं बढ़ा, और बीच में मैंने एक साखी कहा कि गोस्वामी जी कबीर साहब ने कहा है, कर बहिया बल आपनी छाण बिरानी आस, जाके अंगन नदिया बह सुकस मरे प्यास। ऐ लोगों सबको संकेत करते हैं, ऐ लोगों कर बहिया बल आपनी, अपने बाहों बल पर भरोसा रखो, लेकिन इस भारत देश के नागरिक को अपने बाहों बल पर भरोसा नहीं है। इस भारत देश के नागरिकों को 135 करोड़ आबादी में करीब करीब 130 करोड़ आबादी को अपने बाहों बल पर भरोसा ही नहीं है, अपने कर्मों पर भरोसा नहीं है। किस पर भरोसा है बताऊं? एक लाल चुनरी पर भरोसा है, एक ताबीज पर भरोसा है, एक यहाँ ताबीज बांध दिए, पैर में एक काला धागा बांध दिए, उस पर भरोसा है, अपने जीवन पर भरोसा नहीं है। गाड़ी बनाया जाता है तो गाड़ी की टेक्निकल ऐसे होती है, इंजीनियरिंग ऐसे होती है, जब फर्स्ट गाड़ी बनाई जाती है तो उसको बनाने के लिए करोड़ों करोड़ रुपये मात्र गाड़ी मिलते हैं। कितनी मिलती है? 1 लाख रुपये में मोटरसाइकिल मिल जाती है, लेकिन 1 लाख रुपये में गाड़ी नहीं बनती है। उसको फर्स्ट गाड़ी बनाने में, प्रथम गाड़ी बनाने में कई करोड़ रुपये, अरबों रुपये खर्च किया जाता है। उस इंजीनियरिंग पर आप लोगों को भरोसा नहीं होता है। किस पर भरोसा होता है? एक लाल चुनरी बांध देते हैं गाड़ी में, कभी एक्सीडेंट ही नहीं होगा लाल चुनरी बांधने के बाद। इंजीनियरिंग पर भरोसा नहीं है, कर्मों पर भरोसा नहीं है, अपने बाहों बल पर भरोसा, अपने पर विश्वास नहीं है। दुख की बात तो ये है, अपने पर विश्वास नहीं है। अपने घर में एक पुराना टायर लटका देंगे तो पुराना हंडी लटका देंगे, क्या मजाल है? कैसे आप जीवन को बर्बाद करते हैं? आप क्यों अपने कर्मों पर भरोसा नहीं है? आपको नहीं लगता है मैं जीवन का निर्माण कर रहा हूँ? आपको नहीं लगता है मैं जीवन को अग्रसर आगे बढ़ा रहा हूँ, अच्छे ओर ले जा रहा हूँ? आपको लगता है वही टायर आपका जीवन बढ़ाएगा, वही एक पुरानी हंडी आपके जीवन को बढ़ाएगा? पहले घर में जाते ही लिखा रहता था शुभ लाभ, अब क्या रहता है? कहीं जाएंगे तो एक नारियल बंधा है, तो कहीं नींबू बंधा है, तो कहीं मिर्चा बंधा है, उससे क्या होगा? आप क्यों अपने आप को कर्म बंधनों में बांध रहे हो, कर्म कांड में? कुछ नहीं होने वाला है। प्रत्यक्ष उदाहरण अभी आपको मैं बता दूं, मैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सबका विरोध करता हूं, मैं सत्य चीज़ों को बताता हूं।
विरोध नहीं है मेरा, विरोध नहीं है। और इसलिए अभी कह रहे थे, अभी साहब कहे कि कबीरपंथी भगवान नहीं मानते, लोग कहते हैं लेकिन कबीरपंथी कभी नहीं कहते। कबीरपंथी रीजनल भगवान को मानते, कल भी मैंने इस बारे में चर्चा किया था, कबीरपंथी रीजनल भगवान को मानते हैं और इसलिए कर्म पर जोर देते हैं। मैं कल भी इस बात को कहा था, इस सभा में बहुत लोग नए लोग हैं, इसलिए मैं आज फिर से उस बात को कह रहा हूँ। आज परिवार में जो तनाव पैदा होते जा रहे हैं, परिवार में जो दरारें पैदा होती जा रही है, क्योंकि आदमी को आदमी से आज विश्वास नहीं है। आदमी को विश्वास है पत्थर पर, मूर्ति पर, कागज पर, फूल पर, आकाश पर, मिट्टी पर, पानी पर, पत्थर पर विश्वास है। विश्वास आदमी पर नहीं है, भाई पर विश्वास नहीं है, दीरान पर, जेठान पर विश्वास नहीं है, माता पिता पर विश्वास नहीं है। किस पर विश्वास है? एक भभूत पर विश्वास हो जाता है, एक मिट्टी पर विश्वास हो जाता है, एक धूर्त बैगे लोग होते हैं, मैं सीधा सीधा कहता हूँ, जो लोगों को बर्बाद करने के लिए वो लगे हैं। उनका उद्देश्य मात्र है कुछ रुपयों के लिए काम करते हैं, वो कुछ रुपयों के लिए काम करते हैं, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला है। क्यों आप इन चक्कर में पड़ करके आप, मैं देखता हूँ कुछ गरीब लोगों को, अभी जब स्नान चालू होता है, कुछ लोग यात्रा करते हैं, तो यात्रा करते हैं तो लोग लेट लेट करके यात्रा करते हैं, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, यहाँ से लेटेंगे, एक गिट्टी रखेंगे, वहाँ फिर लेटेंगे, एक गिट्टी रखेंगे, ऐसे लेटते 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 उनको एक मंदिर में जाना होता है, और करीब करीब 10 साल 15 साल पूरा शरीर को बर्बाद कर देते हैं, पूरे शरीर को बर्बाद कर देते हैं। कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है, हासिल आया जीरो आता है। आपकी श्रद्धा है तो मानिए, असली भगवान को मानना है, असली भगवान की पूजा है। महापुरुष जो रास्ते पर बताए हैं उस रास्ते पर चलना। डिग्रियां काम नहीं आती है, बड़े बड़े पढ़े लिखों को, पढ़े लिखे लोगों को मैंने देखा है, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग विज्ञान के प्रोफेसर, विज्ञान पर बोलते हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, जब पानी नहीं गिरता है तो वही आदमी जाकर के मंदिर में नारियल फोड़ता है, हे भगवान पानी बरसा, इनकी बुद्धि इतनी मारी गई है, पानी क्यों बरसता है, पानी क्यों नहीं बरसता है। यहाँ बैठे अधिकतम लोग जानते हैं ये वैज्ञानिक कार्य कारण व्यवस्था है, किसी के पूजा और पाठ से पानी नहीं गिरना, गिरना ये नहीं हो सकता है। जो कुछ होता है प्रकृति का नियम आधारित है, प्रकृति के नियम के अवरुद्ध और कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए आप अपने को कर्म कांड और पाखंड से बचा करके रखिए। भूत प्रेत जादू टोना लगन मूर्त कुछ भी नहीं होता है। लगन मूर्त की बात आती है तो आप लोग इस हिंदू परंपरा में श्री राम के उपासक अधिकतम लोग हैं, और मैं भी मानता हूँ श्री राम आदरणीय महापुरुष हैं। जब श्री राम की शादी होने की पूर्व उसका मुहूर्त निकाला जाता है, और मुहूर्त कौन निकालते हैं आप लोग जानते हैं ना, बड़े बड़े विद्वान, 3 मूर्धन्य विद्वान ने उनका मुहूर्त शोधा था, लेकिन शादी होने के बाद कभी सुकून की जिंदगी श्री राम नहीं जी पाए। क्या मतलब है फिर ऐसे मुहूर्त का, वन वन भटकते रहे, प्री के योग में पति और पत्नी आपस में अलग रहे, पिता के साथ नहीं रह पाए, परिवार के साथ नहीं रह पाए, उनके ही बच्चे उनके लिए लड़ाई के लिए तैयार हो गए श्री राम के। क्या मिला मुहूर्त निकालने से? क्यों मुहूर्त के चक्कर में अपना समय? मुहूर्त से एक फायदा ये होता है, बैगा लोगों को फायदा होता है, पंडे और पुजारी को फायदा होता है, होटल वाले को फायदा होता है, डीजे पार्टी को फायदा होता है, और ब्राह्मणों का एक जाल है उनको फायदा होता है। ब्राह्मण कर्म से ब्राह्मण होता है आदमी, पूजा और पाठ से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। मंत्र श्लोक फेंक देते हैं, जो मन में आता है बोल देते हैं, तंत्र मंत्र कुछ भी बोल देते हैं, आप बड़ा भैरे जैसे सुने बैठे, क्या मिलता है ऐसे चीजों से? भागवत में, महापुराण में ये भगवान की, वो भगवान की चरित्र ही इनकी बात बताई जाती है, क्या मिलता है ऐसे चीजों से? जीवन के निर्माण की बातें आप लोग करें, जीवंत कथा कुछ करें, उससे जीवन की बातें होगी, आपका विकास होगा। इस सत्संग का उद्देश्य इतना ही है। सद्भावना सत्संग समिति का एक उद्देश्य है लोगों के अंदर एक नया प्राण ऊर्जा डाला जाए, एक नई जागृति, कर्म कांड और पाखंड से आदमी ऊपर उठे, आपस में भाईचारा बढ़े, आपस में परिवार में एक सुकून की जिंदगी जिया जाए। और मैं समझूंगा ऐसा कुछ होता है तो बहुत बड़ा सफल योजन रहा, ये बहुत बड़ा सफल योजन रहा है। सदगुरु कबीर ने कहा है, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। यदि आप अपने जीवन में गलत कर्म बोते हैं, गलत कर्म करते हैं, तो आपको वही फल मिलेगा, वही फल मिलेगा।
आप चाहेंगे कि मैं गलत कर्म करूं और मुझे अच्छा फल मिले, ये हो ही नहीं सकता। यदि आप आम चाहते हैं तो आम का ही फल लगाना, बीज लगाना पड़ेगा। यदि आप बबूल का बीज लगा करके आम का फल काटना चाहे तो नहीं काट सकते। वैसे ही जीवन का नियम है, ये जीवन का नियम है। आप जो, मैं कल भी कहा था, आप जो दूसरों के लिए बोते हैं अपने लिए काटते हैं, एक सूत्र है ये। एक सूत्र से जीवन बदल सकता है। जो आप दूसरों के लिए बोते हैं वो आप अपने जीवन में काटते हैं। दूसरों के लिए आप क्या बोते हैं, मैं अपनी बात में आऊं फिर, कि हम अपने लिए कितना टाइम देते हैं। आप बच्चों के लिए अपने जीवन की पूरी संपत्ति को दांव में लगा देते हैं। बच्चे को एक एक पाई जोड़ जोड़ करके अपने जीवन की पूरी संपत्ति को बच्चे के लिए दांव में लगा देते हैं। क्या उसको जो चीज देना चाहिए वो भी दिए, कि संपत्ति बस दे दिए, मकान बस दे दिए, गाड़ी बस दे दिए, धन दौलत बस दे दिए, मोबाइल दे दिए, शिक्षा बस दे दिए, और कुछ बाकी नहीं रहा देने का? एक मूल चीज है उसको भी दीजिए, आप लोग अच्छे संस्कार दीजिए। बच्चे कहीं आए जाए, आप लोग यहाँ बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग कभी घर में बैठिए, सत्संग में मत आइए, और घर के बहू बेटे को भेजिए, तुम लोग जाओ सत्संग में, हम घर में बैठे हैं, हम घर में बैठे हैं, घर की सुरक्षा हम करते हैं, तुम लोग जाओ सत्संग में, सत्संग में सुनो क्या बात बताई जाती है। और सत्संग उसी ही सत्संग कहा जाता है जहाँ सद्ज्ञान चर्चा हो, जहाँ हमारे जीने के लिए एक नए मार्ग मिलता जाए, जहाँ कर्मकांड और पाखंड नहीं होना चाहिए। कर्मकांड और पाखंड से कुछ नहीं मिलता है। कबीर पंथ में भी बहुत पाखंड शुरू हो गया है, सावधान रहिएगा। कबीर के नाम पर ना जाने क्या क्या होना शुरू। आप तो कबीर के नाम पर नहाने का मंत्र, खाने का मंत्र, टट्टी पेशाब जाने का मंत्र, इतना सब कबीर के नाम पर, ये क्या नाटकबाजी चल रहा है अब? क्यों ऐसा करते हैं? सदगुरु कबीर ने जो कभी नहीं कहा, सदगुरु कबीर ने जिन मूर्ति पूजा का खंडन किया था, वही आज सदगुरु कबीर के कबीरपंथी लोग मूर्ति पूजा पर जोर डालते हैं। लेकिन किसकी पूजा? मात्र कबीर साहब की पूजा पर ही, मात्र कबीर साहब की पूजा से ही मुक्ति मिल सकती है। क्या ये कैसा जाल है ये? आप लोग सावधान रहिए। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं इन बातों पर ज्यादा जोर डालूं और आप लोगों को बुरा लग जाए, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप लोग कर्म पर विश्वास रखिए अपनी। सदगुरु कबीर की साधना खुद की साधना है। सदगुरु कबीर का मार्ग एक ऐसा मार्ग है, कबीर पंथ का मतलब कल भी मैंने बताया था, कबीर का मतलब महान और पंथ का मतलब रास्ता। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, जैन सभी लोग आते हैं, कोई भी इस मार्ग पर चल सकते हैं। चाहे शूद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, सभी लोग सदगुरु कबीर के अनुयायी हुए हैं। और कबीर आज जो भी प्रवक्ता है इस भारत देश में, चाहे कहीं भी बाहर भी प्रवक्ताओं को देखा गया है, जो प्रवक्ता कबीर की बातें, सदगुरु कबीर की बातें नहीं कहते हैं तो उनके बातें अधूरी लगती है। उनको लगता है कि मैंने कुछ बात कमी रह गई, और सदगुरु कबीर आज इसीलिए प्रासंगिक हुए हैं। सदगुरु कबीर ने इतना बेजोड़े बातें कही जो आदमी हर लोगों के बातें कटती चली गई और साफ साफ ज्ञान सबके सामने आती चली गई। इसलिए पूजा और पाठ पे ज़्यादा जोर ना दे करके, आपकी श्रद्धा है, आपकी भक्ति है, आप पूजा और पाठ करिए, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं कल भी कहा था, इस बात को मैं कहूँ फिर अपनी बात समाप्त करूँ, पूज्यवर साहब जी आने वाले हैं। पहली पूजा किसकी होनी चाहिए? पहली पूजा माँ बाप की होनी चाहिए। माँ बाप की पहली पूजा होनी चाहिए। पूज्यवर साहेब जी आ रहे हैं, आप लोग स्वागत में सभी लोग खड़े हो जाएंगे। बोलिए सद्गुरु देव की जय। और सभी लोगों से निवेदन है कि अभी खड़े हैं सभी लोग, आगे बढ़ करके बैठेंगे, आगे का जगह नहीं छोड़ेंगे, पीछे जगह नहीं है। और मैं समझता हूँ सद्भावना सत्संग समिति का प्रयास सफल रहा है, ये पंडाल छोटा पड़ना शुरू हो गया है, एक अच्छा प्रयास रहा है उन लोगों का। और गांव के लोगों को हर घर घर जा कर के इन्वाइट किए हैं, बाहर के लोगों को इन्वाइट किए हैं, और नया एक यंग आने वाले पीढ़ी का प्रयास रहा। सभी लोग बैठ जाएं,
आने वाली पीढ़ी, नए जनरेशन, एक नए सत्संग समिति का उन्होंने शुरुआत किया और आज ये सत्संग पंडाल हमारा भरा हुआ है। कल की व्यवस्था में लगता है इस स्थिति को देख करके कि आप लोगों को कल की व्यवस्था और बढ़ानी चाहिए और आप लोगों का सफल सत्संग रहा। और सफल सत्संग तब जानूंगा जो बातें यहाँ से कही जा रही है उन बातों को आप जीवन में उतारे भी, आपके घर में प्रेम बढ़े, आपके घर में सम्मान, बड़ों बुजुर्गों का सम्मान बढ़े। जिस घर में बड़े बुजुर्गों को सम्मान नहीं दिया जाता है वह घर घर नहीं शमशान हो जाता है, वह घर घर नहीं शमशान हो जाता है। मैं अपनी बात कह रहा था उसको पूरा करूं। मैं कह रहा था, बोलिए सद्गुरुदेव की। सभी लोग शांति से बैठे। कल भी कहा था, आज भी उस बात को मैं कह दूं। मैं कहा कि पहली पूजा किसकी करनी चाहिए, कल बताया था मैंने। पहली पूजा आप सभी से निवेदन है कि आप पहली पूजा आप करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आप बिस्तर से उठे, फ्रेश हो जाए, पूजा करना चाहते हैं तो आपके घर में मंदिर होगा, पड़ोस में मंदिर होगा, कहीं भी मंदिर होगा, आप मंदिर में जाते होंगे, आपकी श्रद्धा है, आप करिए। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपके घर में यदि माता पिता है, आपके घर में यदि गार्जियन है, आपके घर में यदि दादा दादा है, तो असली देवी देवता, असली भगवान वही लोग हैं, उनकी पूजा पहले करिए आप। उसके बाद आप जिसको मानते हैं करिए। कबीर पंथी हैं पर भी मैं आपसे कबीर साहब की पूजा पहले करिए मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि कबीर साहब ने सीख ही नहीं दिया है कि मेरी पूजा पहले कर लेना करके। कबीर साहब ने जीवंत आत्मा को माना है, कबीर साहब ने इंसान को माना है, इंसान को भगवान माना है। कबीर साहब ने वो चीज़ नहीं कहा तो मैं कैसे कह दूंगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है, यदि आप पूजा करना चाहते हैं तो जिसकी पूजा करना है करिए, लेकिन पहले पूजा माता पिता की करिए, पहले पूजा दादी दादा का करिए, पहले पूजा अपने सास ससुर का करिए। आप मंदिर में जाकर के रोज़ फूल चढ़ाते हैं, रोज़ आरती उतारते हैं, कम से कम रोज़ नहीं कर सकते तो सप्ताह में, महीना में, साल में एक दो बार होली त्यौहार में, दीपावली में कम से कम अपने माता पिता की पूजा कर लीजिए, अपने माता पिता की आरती उतार लीजिए, अपने माता पिता को हार चढ़ा दीजिए। जो हार आप माता पिता को समर्पित करते हैं वो जी आपके जीत का संकेत है, वो आपके जीत का संकेत है। कौन माँ बाप का चरणोदक करता है, कौन माँ बाप के सामने झुके, लोग तो यही समझते हैं। वो सौभाग्यशाली बच्चे होंगे जो अपने माँ बाप के सामने रोज झुकते हैं, वो सौभाग्यशाली बच्चे हैं जो अपने माँ बाप के सामने जा करके दीप प्रज्वलित कर आरती उतारते हैं। मैं समझता हूं असली कबीरपंथी यही लोग हैं, असली कबीरपंथी यही लोग हैं, असली सत्संगी वही लोग हैं जो घर के सदस्यों को देवी देवता मानते हैं और पूरे घर को मंदिर बना लेते हैं। अलग से मंदिर की जरूरत नहीं है फिर उसके लिए, अलग से मंदिर की जरूरत नहीं है उसके लिए। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप इन चीज़ों पर ध्यान दें। असली देवी देवता कौन है उसको समझें। मैंने आप लोगों के बीच कुछ तीखी बातें भी कही, बुरा लगा हो तो आप लोग उसको महसूस करिए कि क्यों ऐसा बोले इन्होंने और ऐसी बात क्या थी, आप उस पर विचार करिएगा। यदि तब भी बात गलत लगती है तो बताएं, फिर से विचार किया जाएगा। अब हमारे सभी निर्चिर विवेकी हंसजनों, भक्ति शक्ति के स्रोत माताओं तथा बहनों, त्रिदिशी कबीर सत्संग की इस पावन बेला में दूसरे दिन का यह दूसरा सत्र शुरुआत की ओर है, जिसमें भजन के साथ साथ विचारों की कड़ी में हम लोग अभी निमज्जन कर रहे हैं। सत्संग एक मनोरंजन नहीं है, जैसे आज के समय में लोगों की मानसिकता बनी हुई है। सत्संग एक सरोवर है जहां पर मन को सुंदर बनाया जाता है। सत्संग एक सांचा है, सत्संग एक सांचा है जहां अच्छा जीवन निर्माण करने का स्थल है। असल में आज के परिप्रेक्ष्य में हमारी पृष्ठभूमि ही खराब हो चुकी है, नाराज मत होना आप लोग कोई। अगर शिक्षा के क्षेत्र को हम थोड़ा सा चिंतन के दृष्टिकोण दें
तो पहले जो रामायण गीता उपनिषद 6 शास्त्र 18 पुराण ये हमारे गुरुकुल के और कोर्स था, सुन रहे हैं गुरुजी लोग तो सुन ही रहे होंगे, मैं देख रहा हूँ कौन कौन गुरुजी लोग बैठे हैं। जैसे आज फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी अंग्रेजी पढ़ाई जाती है विद्यालय में, ऐसे आज से कम 500 साल पहले या हम कह सकते हैं 100 साल पहले, ज़्यादा लंबा समय की बात नहीं है, 100 साल पहले गुरुकुल में चारवे छह शास्त्र उपनिषदों की पढ़ाई होती थी और जिसके कारण से हमारी जो परंपरा थी ये चार बातों को उद्धृत करती है, मातृदेव हो, पितृदेव हो, आचार्य देव हो, अतिथि देव हो, ठीक है बात, ये चार को और अपने परंपरा में इष्ट माना गया, देवी देवता माना गया। जो आदमी नदी में जाकर के नहाता है और मुक्ति मानता है उसको थर्ड नंबर का आदमी माना गया, निष्कृष्ट बुद्धि का। जो केवल पिंडों को पूछता है, पत्थर पानी को, उसको दूसरे नंबर का आदमी माना गया, उसमें भी अभी समझ नहीं आई है। लेकिन जो आत्मा की पूजा करता है, मानव मात्र नहीं प्राणी मात्र की पूजा करता है और उसको सर्वश्रेष्ठ माना गया और इसीलिए उनको मातृदेव हो, पितृदेव हो, आचार्य देव हो, अतिथि का देव कहा गया। पहले की जो हमारी परंपरा थी वह नैतिकता धर्म संस्कृति से ओतप्रोत था, आगे चल करके समाज के परिवेश में परिवर्तन तो आया लेकिन हमने अपनी आंतरिक मानवता आंतरिक संस्कृति को भुला दिया। यहाँ पर जितने भी गुरुजी लोग बैठे हैं पूछिए क्या आप गणित पढ़ाते हैं, इसमें ये चार ये जो 10 संस्कार की बातें कही गई है, 10 संस्कार जो इंसान के जीवन में जरूरत है, सबके 10 उंगली है ना, 9 वाले की मैं नहीं कह सकता, लगभग सबकी 10 उंगली है, गिनते चलो, सत्य अहिंसा दया क्षमा शील संतोष विवेक विचार गुरु भक्ति और अंतिम में आत्मज्ञान, कितने हो गए, जोर से बोलो भैरव, 10 ठीक। ये 10 सद्गुण मनुष्य के लिए कि पशु के लिए है, जोर से बोलो मनुष्य के लिए। पशुओं में न 10 उंगली है न किसी में 10 गुण का कोई लक्षण है, न तो वर्तमान न भविष्य में, उनके सामने आप कोई भी चर्चा करो कोई भी बात करो वो न तो सुन तो सकता है लेकिन समझ नहीं सकता और समझ करके अपने में परिवर्तन नहीं ला सकता। जो अपने में परिवर्तन किसी प्रकार से ना लाए उसका नाम है पशु और जो सुन करके समझ करके जो परिवर्तन लाए उसका नाम मनुष्य ही नहीं उसका नाम ही इंसान ही नहीं उसका नाम भगवान है। ये संभावनाएं मनुष्य में हैं और सोच लो अब गुरुजी लोग नाराज नहीं होना, क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, ये इस इंग्लिश के कोर्स में ये 10 सद्गुण कहीं पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़ाया जाता। आप फिजिक्स केमिस्ट्री उनको पढ़ाते हैं क्या इसमें संभावना है, नहीं है। आप ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं क्या इसमें संभावना है, नहीं है। तो जो चीज़ें शुरू से है ही नहीं वो आपके हमारे जीवन में कैसे आएगा। देखिए थोड़ा समय और आपको अटैक कर रहा हूं, हम लोग जब पढ़ते थे आज से कम 30-35 साल पहले 40 साल पहले तो कबीर के पद, मीरा के पद, सूरदास के पद, तुलसी के पद, रसखान की वाणियां, ये सारी चीजें पढ़ाई जाती थी, पूरा आधा हिंदी उसी से ओतप्रोत रहता था। और मैं बता दूं सर आप लोग जितने भी यहां जिज्ञासु बैठे हैं ना और वही संस्कार आप लोगों के हृदय में आज जल रहा है साहब, आज आपके अंदर में मेरे अंदर में कुछ है संस्कार इंसानियत मानवता जो हम प्रेम और जीवन के सूत्र को लेकर चलते हैं तो वो संदेश है। लेकिन आज सुन करके बड़ी शर्म आती है, आज इन सारे महापुरुषों के जो दिए हुए संदेश है इसको हटा दिया गया, पाठ्यक्रम से ही हटा दिया गया, अब इसके पीछे क्या जोड़ दिया गया, कहीं मेढक कुछ कह रहे हैं।
तो कहीं मछली जल की सबको याद है, कहीं पतंग उड़ा रहे हैं, कहीं पर पेड़ पौधों की वर्णन कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं जो आदर्श संस्कार नैतिकता को कुचल कर आपको वो बोध कहाँ मिलेगा। और एक बात, आज जो आपके बच्चों में, आपके परिवार में, मेरे अंदर में, आपके अंदर में, किसी के अंदर में जो नैतिकता विहीन, संस्कार विहीन, भाव विहीन आपको दिखाई देता है, जो नशा, दुर्व्यसन, दुराचार, अत्याचार की ओर आज समाज जो बढ़ता चला जा रहा है, ये धन और शिक्षा की कमी कारण है कि ज्ञान और संस्कार की कमी कारण? किसकी कमी कारण? धन और शिक्षा की कमी कारण है कि ज्ञान और संस्कार की कमी कारण है? ज्ञान और संस्कार की कमी कारण। ठीक, धन तो आप कमा लेते हैं नौकरी धंधा खेती करके, बिल्कुल सही बात, धन कमा लेते हैं आप खेती नौकरी धंधा करके, शिक्षा मिल जाती है आपको विद्यालय में जाकर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, अंग्रेजी जो भी आप पढ़ते हैं, आप IAS की भी परीक्षा दिलवाते हैं बच्चों को, आप उनको डिप्लोमा करवाते हैं, ये सारी शिक्षाएं आपके घर में नहीं, आपके गांव में नहीं, इसके लिए विद्यालय है। सरकार की विद्यालय प्रबंध में अगर कमी है तो आज प्राइवेट कॉलेजें कितने हैं जहां आपके बच्चे जाकर के पढ़ते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर और कलेक्टर बनते हैं, इसका अपमान नहीं है, तिरस्कार नहीं। लेकिन सोचिए आज संस्कार और ज्ञान के अभाव में इंसान की जिंदगी किस प्रकार से बदतर होती चली जा रही है। इसलिए सत्संग आपको केवल टाइम पास नहीं, ये केवल मनोरंजन नहीं, केवल बुढ़ापे के लिए नहीं है, ये जो सत्संग है हमारे जीवन का असली सांचा है, जहां पर हमारे जीवन का व्यक्तित्व का निर्माण होता है। मिट्टी अपने आप में मूर्तियां नहीं होती, मिट्टी को मूर्ति बनाने वाले जो होते हैं उसको हम कुम्हार कहते हैं या हम उसको शिल्पकार कहते हैं। पत्थर अपने आप में भगवान नहीं होता है, जब उसको मिल जाता है कोई शिल्पकार तभी वो आगे चल करके एक पत्थर सुंदर मूर्ति का रूप लेकर के आपके मंदिर में विराजमान होता है, उसके सामने आप सिर झुकाते हैं। सोना अपने आप में आभूषण नहीं होता है, जब उनको सोनार मिलता है और वे जब उसको गढ़ते हैं तब वो आगे चल करके सोना आभूषण का रूप लेता है। कोई भी कागज अपने आप में चित्र नहीं होता, लेकिन जब कोई कलाकार के माध्यम से उसमें चित्र निर्मित हो जाता है तो उसमें एक चरित्र का भाव दिखाई देता है और ऐसे चित्र को आप इष्ट के रूप में और सम्मान देते हैं, आदर देते हैं। इसी प्रकार से एक कागज में चित्र निर्मित करने वाले चित्रकार हैं, पत्थर में मूर्ति का रूप देने वाले मूर्तिकार हैं और सोना में आभूषण देने वाले सोनार हैं। मित्रों, इससे भी कहीं ज़्यादा आपकी और हमारी जिम्मेदारी है अपने जीवन के विचारों को गढ़ने और संवारने के लिए। लेकिन हमने अपने जीवन के मूल्य को घटाते गया और उन चीज़ों को मूल्य देते गया जो चीज़ें हमारे जीवन से बहुत दूर है। इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में हम सबको और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। कई बार आज सुबह के समय में श्री साहेब जी कह रहे थे ना, गुरु संत साहेब जी, आपको याद दिला देता हूँ छोटी सी बात। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं कौन कौन ध्यान करते हैं? हिम्मत नहीं हुई ना हाथ उठवाने की? नहीं, एक दो तीन लोग। आध्यात्मिक पुस्तक कौन कौन पढ़ते हैं? तो उस समय भी सोचिए जरा, जो जीवन का हमारी सीढ़ियां हैं, जीवन को संवारने का जो आधार है उसको हमने डिलीट कर दिया, जीवन का आनंद, जीवन का बहार, जीवन की खुशियां कहाँ से होगी? धन कमाते हैं किसके लिए? अंत में शांति मिले। परिवार का विस्तार क्यों होता है? क्योंकि अंत में शांति मिले। जो कुछ भी हमारे पास विस्तार है ये सबके अंतिम मूल में है, हमारा जीवन शांतिमय हो। जानते हो ना, शांति प्राप्त करने के लिए हमको संसार का बहुत विस्तार नहीं चाहिए, थोड़ा सा सिस्टम बनाए, सिस्टम। और आजकल हमारे कबीरपंथियों में ये सिस्टम खत्म होता चला जा रहा है। मैं बहुत समय नहीं लूंगा क्योंकि समय घेरा में ठीक है। यूँ तो ज्ञान तो सागर है साहब, ज्ञान तो सागर है, ये कभी पूरा होता नहीं। और जितना आपको बाल्टी में पानी भर के मिलता है ना कुआं से, सागर से, वो भी आपके प्यास बुझाने में कोई कम नहीं है। तो ज्ञान तो सागर है। तो मैं ये बताने जा रहा था कि जीवन में हम कुछ सिस्टम बनाए। जैसे आप खेती करते हैं, किसान हैं, आपका एक सिस्टम है आषाढ़ के महीने में बीज डालना, फिर उसके बाद क्या जिम्मेदारी पूरी हो गई? नहीं। उसके बाद आप
उसमें से घास निकालते हैं। नकारात्मक चीज़ों को आप निकालते हैं, और जो नकारात्मक चीज़ों को न निकाले उस किसान को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आप लोग नाराज तो नहीं होंगे ना, कोड़िया। क्या कहते हैं? कोड़िया। खेत इनका कितना बढ़िया, पूर्वज के द्वारा इनको बाहर जमीन मिली, लेकिन इंसान इतना निकम्मा, इतना आलसी, इतना कमजोर है कि पूरा खेत इनका परिया पड़ा हुआ है। क्या वो किसान अपने जीवन में किसी से सम्मान पाएगा? वो क्या वो अपने अंतर से खुश रहेगा? नहीं। किसान है आप, उसके लिए आपने सिस्टम बनाया। चलो आप लोग नौकरी वाले हैं, चाहे मौसम जो भी हो, आपको बिल्कुल 10 बजे इस और पहुंचना है अपने ड्यूटी क्षेत्र में, छुट्टी होते आपको घर पहुंचना है। आप किसी भी क्षेत्र में देखिए, आपका नियमावली है। अब ये तो आपके व्यवहारिक जगत से जुड़ा हुआ है, अर्थ के क्षेत्र में, व्यवहार के क्षेत्र में थोड़ा समय आपको इशारा करना चाहता हूँ। आध्यात्मिक ऊंचाई के क्षेत्र में बढ़ने के लिए हमारे पास है कोई दिनचर्या? नहीं है। अब नहीं है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बस दो मिनट बता दूँ कि न बताऊँ? कल बता दूंगा, नहीं चलेगा उधारी काम। ठीक, सुबह आप उठिए, उस समय तो आपके साथ कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। 10 मिनट आप नींद से, जैसे आपकी नींद खुली और 10 मिनट आप बिस्तर छोड़ने के पहले आप स्थिर चित्त से बैठ जाए ध्यान में। पहली बात, अगर आप डायरेक्ट बिस्तर छोड़ते हैं तो पहली बात तो आपके शरीर का बीपी बढ़ा हुआ होता है। अगर आपकी नींद खुली और हड़बड़ा करके आप उठ करके चलने लगे तो ऐसी स्थिति में लोग लगभग लगभग गिर जाते हैं चलते चलते, और लोग कहते हैं सुबह उठे जा रहे थे और गिर पड़े, कारण आपके शरीर का बीपी बढ़ा हुआ था। तो ऐसा करिए, उसको मेंटेनेंस सही रूप में हो जाए, शरीर स्थिर हो जाए, इसके लिए आप 10 मिनट अपने बिस्तर पर बैठ जाइए, और बिस्तर पर बैठ करके 10 से 15 मिनट आप ध्यान कर लीजिए। और ध्यान में क्या करना है, ऐसा ना हो कि खेत और दुकान की बात आ जाए। उस समय जब आप न्यूट्रल स्थिति में हैं, अगर न्यूट्रल स्थिति में आप हैं तो आपका मन भी न्यूट्रल ही होना चाहिए, और किसी प्रकार की बातों को याद न करते हुए एक आकार लीजिए जिसको आप कहते हैं शून्य। सभी अंकों में भी शून्य का एक महत्व है। शून्य अंक अपने आप में शून्य नहीं है, शून्य के भी बड़ा महत्व है। कोई भी आंकड़ा ले लीजिए, 1 2 3 4 8 9, उसके आगे आप शून्य लगा दीजिए, उसका 10 गुना अंक बढ़ जाता है, मान्यता बढ़ जाती है। इसी प्रकार से शून्य को आप डायरेक्ट निगेटिव में मत लीजिए। पहले 10 मिनट आप ध्यान बैठे, अब इसके बाद आप कुछ भी ना सोचिए, जो भी विचार हो उसको आप शून्यता में लेके चलिए। ये शांति आपके जीवन का उद्देश्य, जिसको आप जन्म, जिसको आप लेकर के ही आए हो, इसको लेकर के पैदा हुए हो। लेकिन हवा लगी संसार की, हो गई बारह बाट, सब उसमें हमारा खो गया, चला गया। अब इसके बाद अगर पसंद आए तो, और मैं बता देता हूँ, आप कबीरपंथी हो, चाहे किसी भी परंपरा को मानते हो, किसी भी महापुरुष से जुड़े हो, उसका सम्मान है। किसी भी महापुरुष के छत्र छाया में रहना, ये जीवन को संवारने और जीवन को आगे बढ़ाने की शक्ति साहब। अब आप स्नान किया, और ये मत कहना पारक सिद्धांत में तो मूर्ति पूजा सब सब ये सब नहीं माना जाता, क्यों ऐसा कहते हो? ठीक है, ये जो चित्र है ना, चित्र है, इसमें भी चरित्र छिपा है, तभी आप उसको लगा के रखें। मान लीजिए आपने अपने घर में स्नान करके आए, और स्नान करके आकर के आपने अगरबत्ती जला लिया, और जला करके मान लीजिए आपने ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, ये मंत्र को आपने, दो मंत्र को उच्चारण कर लिया, तो क्या पारक सिद्धांत में, पारक सिद्धांत डूब गया क्या? मन सुंदर हुआ कि मन बिगड़ गया? थोड़ा बता दो, बस छोड़ो सिद्धांत की बात को। आपने स्नान करके आया, पवित्र पानी से तन की शुद्धि, पवित्र वाणी से मन की शुद्धि, आपने दो अगरबत्ती जला लिया और ये मंत्र उच्चारण किया, तो मन उस समय गंदा हुआ कि अच्छा हुआ? क्या चाहते हो, जीवन में अच्छाई बढ़े कि बुराई बढ़े? आपके आपके जीवन के उस क्षेत्र में ये सकारात्मक काम हो रहा है कि नकारात्मक काम? ये आपके जीवन का ये दूसरी और सीढ़ी है। समय का नियोजन, भोजन कितने बार करते हो? 3 बार, तो 3 बार अपने संध्या उपासना भी कर लो। तीसरी बात, अगर अच्छी लगे तो आज से शुरू कर देना, शाम के समय आपके घर में जब भोजन तैयार हो जाए, माताएं बहनें भी ध्यान दो, शाम के समय में आपका जब घर में भोजन तैयार हो जाए, भोजन करने के समय तो आप लोग इकट्ठा होते हो, गुरुदेव अभिलाष साहब की वाणी सुन लो, ईटिंग और मीटिंग, साथ साथ भोजन और साथ साथ बोलो ना आगे भजन,
साथ साथ भोजन, साथ साथ भजन, ये आपके घर के, इस परिवार के और व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक है कि बाधा है? सहायक है ना? क्या इसको आप स्वीकार नहीं करते? अब आप शाम के समय जब इकट्ठे हुए, भोजन तैयार हुआ, जिम्मेदारी हो गई भोजन करने की, भोजन तो चाहे एक दो लोगों ने बनाई होगी लेकिन भोजन तो सबको करना है, उसके पहले आज अगर आप 5 से 10 मिनट, ज़्यादा नहीं, ये मत कहना बच्चे पढ़ रहे हैं अभी उनको विघ्न करना ठीक नहीं, यही चतुराई आगे चल करके विनाशात्मक स्थिति पैदा करती। आप बच्चे को सब कुछ देते हैं, मकान, दुकान, शिक्षा, सब कुछ, लेकिन संस्कार कौन देगा? और बता दूं, 20 साल की उम्र तक अगर आपने बच्चे को अच्छा संस्कार नहीं दे पाया, 20 साल की उम्र तक आप अपने घर में अच्छा संस्कार नहीं दे पाया, माता पिता से बढ़कर के अच्छा शिक्षक और आपके घर से बढ़कर अच्छा विद्यालय इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपने इन चीजों में चूक किया तो मेरी गारंटी साहब कि 20 साल के बाद, 20 साल में भी आपके बच्चे विद्यालय से कुछ नहीं सीख पाएंगे, केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, अंग्रेजी की ये सूखी डिग्री मिलेगी लेकिन उनके अंदर में अच्छा उज्ज्वल, अच्छा संस्कार नहीं मिलेगा। शिक्षा मिलेगी, डिग्री मिलेगी लेकिन अच्छा भाव नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपने घर को और अपनी जिम्मेदारी को कभी छोटा मत समझो और उसको केवल स्कूल पर डिपेंड मत कर दो। विद्यालय केवल शब्द देता है, आप केवल संस्कार देते हैं और इंसान को संस्कार की आवश्यकता है। तो मैं बताने जा रहा था, शाम के समय आप इकट्ठा हो जाइए, कम से कम जो आपकी उपासना पद्धति है उसके अनुसार से 10 मिनट, ज़्यादा नहीं 10 मिनट। जब आप 15 मिनट भोजन कर सकते हो 3 टाइम, 45 मिनट का समय आपका भोजन में चला जाता है तो 15 मिनट का समय आपके घर के साथ अगर भजन में चला जाएगा तो क्या कुछ नुकसान हो जाएगा क्या? इसी सत्य को न समझने के कारण आज हमारी वर्तमान पीढ़ी हमसे बहुत दूर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि आप जो कहते हैं इस सत्य को लेके चलो, वो कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं। तो ये शिक्षा पद्धति हमको अपने घर से शुरुआत करना पड़ेगा। और हमारा तो कहना है कि आज छत्तीसगढ़ सरकार को, शासन को भी चाहिए कि बचपन से ही बच्चों को उस प्रकार से नैतिक संस्कार देते चले जो आगे चल करके अच्छा, एक डॉक्टर नहीं एक अच्छा डॉक्टर बने, इंजीनियर नहीं एक अच्छा इंजीनियर बने, और वकील नहीं एक अच्छा वकील बने। और मैं तो कहता हूँ अगर अच्छा शब्द अपने जीवन में ले लेना तो मेरी दावा है ये जितने भी कोर्ट कचहरी पुलिस अदालत ये सब के सब अपने आप खत्म हो जाएगा देश के, क्योंकि हर इंसान अपने अंदर में समझ जाएगा मैं एक अच्छा आदमी हूँ। और अच्छा इंसान, अच्छा आदमियत की पहचान आपको ये सत्संग कराता है, थोड़ा परिचय देता है। इसलिए सब के सब आपके घर से शुरुआत होनी चाहिए, आपके परिवार से शुरुआत होनी चाहिए। तो मैं आपके बीच में यही थोड़ा सा निवेदन किया कि आज हमारी जीवन की, घर की पद्धति, समाज की पद्धति, शिक्षा पद्धति हमारा आध्यात्मिक होना चाहिए, केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, अंग्रेजी पर डिपेंड ना होकर के हमारे महापुरुषों ने जो शास्त्रों का ज्ञान दिया ये हमारे जीवन के लिए हर प्रकार से युक्तिपूर्वक है, ज्ञानवर्धन है, हमारे जीवन के लिए संस्कारवर्धन है। इसको हमको आपको निभा करके अपने घर की दिनचर्या को सुंदर बनाने की आवश्यकता है। क्या मेरी बातों से सहमत हैं आप लोग? सहमत हैं तो हाथ उठाओ जरा, सहमत हैं तो लोग हाथ उठाओ। बहुत सुंदर, आज से शुरू हो सकता है सबके घर में, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। टीवी देखने के लिए समय निकालते हो, पेपर पढ़ने के लिए समय निकालते हो, सबके लिए समय निकालते हो, क्या ये आपकी परंपरा से अलग है क्या? आपकी धरोहर से अलग है क्या? आपकी जीवन से अलग है क्या? इसकी जरूरत नहीं क्या? है, इसलिए जरूरत हमको है तो शुरुआत भी किसको करना पड़ेगा? हमको, ठीक है। सब पढ़ें, सब बढ़ें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। जय साहेब, बंदगी साहेब। जो संत जो पीछे बैठे ना, सब आगे आ जाओ, पीछे खाली कर दो, वो सब बैठी एकदम खाली है जगह पूरा, वो मन आ नहीं पाते। साहेब बंदगी, आप सभी से निवेदन है थोड़ा आगे बढ़ करके बैठे। आप लोगों से भी निवेदन है थोड़ा आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, आगे काफ़ी जगह है। अभी श्री साहिब जी से सुंदर विचार सुन रहे थे, वो कैसे बनाना है उस पर।